हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एक्शन बाबू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे उदरबन माँ का चक्रंती मंदिर को। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में, हम लेके चलते हैं आप लोगों को माँ का चक्रंती मंदिर की ओर। काचाकंती मंदिर की ओर जाने से पहले एक बात आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस रूट का नाम है दोस्तों एयरपोर्ट रूट, और इधर से सीधा चले जाएंगे दोस्तों आप लोग सिलचर की ओर, और इधर से सीधा चले जाएंगे हम लोग दोस्तों माँ काचाकंती मंदिर की ओर, और यहाँ से दोस्तों ट्रेन लेके सीधा चले जाएंगे दोस्तों एयरपोर्ट। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं माँ काचाकंती मंदिर की ओर, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही मिल जाएगा। तो ये बाहर से दोस्तों देखते हुए चलिए चलेंगे हम लोग अंदर की ओर। बहुत ही लंबा एरिया है माँ काचाकंती देवी का, और कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में दोस्तों। वाह, चलिए बाहर का पूरा नज़ारा देखते हुए हम लोग जाएंगे गेट के अंदर, और अंदर से दोस्तों दिखाएंगे और मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों को। जय माँ काचाकंती देवी। ये हम लोग अंदर में आ गए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, यहाँ ये बाबा भोलेनाथ के हैं, जाएंगे इसके अंदर भी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं बाबा भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं इनके अंदर में। आइए धीरे धीरे चलते हैं, अभी मंदिर लॉक है दोस्तों, तो हम लोग ग्रिल के अंदर से देख लेंगे। अलर्ट निरंजन बोम कैलाशपति शिव शंकर। और यह हमारे पास में ही है दोस्तों माँ काचाकंती देवी का मंदिर, ये रहा। तो जाएंगे माँ के पास भी, पहले थोड़ा आस पास का नज़ारा देख लेते हैं और मंदिर के बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं। इस मंदिर में दोस्तों आप लोग मैरिज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मंदिर पे आने से दिया जला सकते हैं, अगरबत्ती ये सब जलाने के लिए स्टैंड है, और यह दोस्तों पानी का भी सुविधा है हाथ धोने के लिए पीने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पर मेला भी लगता है दोस्तों, वो मेले के टाइम में बहुत ही इंसान आते हैं यहाँ पर, इंसान कहना गलत होगा, भक्त जन आते हैं दोस्तों। और ये गेट अभी बंद है दोस्तों, मेले के टाइम में खुलता है। और आइए आसपास को देखते हुए जाएंगे माँ काचाकंती की ओर, चलिए चलते हैं। और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग किया है, वाह। तो चलिए ऊपर चढ़ के माँ का दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए माँ का दरवाजे तक हम लोग पहुँच गए, इधर से एक झलक देखते हुए जाएंगे आगे से, बढ़िया से देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों डेली कोई ना कोई आती है इधर पूजा कराने के लिए माँ। ये देखिए दोस्तों माँ का चक्र देवी कितना शांत बैठे है, और पंडित जी भी बैठे है यहाँ प्रसाद भूषण देने के लिए। जय माँ का चक्रंती देवी, जय हो आपको। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देखिए मंदिर के अंदर कितना साफ सफाई है, काफ़ी आनंद मिलता है दोस्तों। और ये लोग पूजा करा रहे हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं और आसपास का और भी कुछ नज़र दिखाते हैं आप लोगों को। ये दूसरा पंडित जी है, वाओ बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड में सॉरी और एक दिया जलाने का स्टैंड है, ये देखते हैं एक आंटी जी जला भी रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों देखने में, देखिए चारों ओर दिया ही दिया है, अगरबत्ती भी जल रहा है, वाह। और यहाँ मंदिर के चारों ओर कोई भी फेरे भी ले रहे थे, और यहाँ आके दोस्तों आप लोग मन्नत भी मांग सकते हैं, माँ काचाकंती देवी ज़रूर आपके मन्नतें भी पूरी करेंगे। यहाँ हर कोई दोस्तों अपने मन्नतें लेके आते हैं और पूरा करके जाते हैं। और ये हॉल देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे मेला लगता है यहाँ भक्तगण बैठ के कीर्तन अर्तन करते हैं। और अभी चल रहा है दोस्तों आज लक्ष्मी पूजा, तो चलिए यहाँ पे लक्ष्मी पूजा भी होता है, और देखते हैं माँ लक्ष्मी के लिए क्या तैयारी चल रहा है दोस्तों। वाह,
और यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर मैरिज होता है, ऐसे नहीं। जय माँ लक्ष्मी देवी, जय हो आपकी। ये देखिए माँ लक्ष्मी देवी भी बैठे आज, उनका पूजा होने वाला है दोस्तों। और यहाँ चल रहे, और यहाँ पे दोस्तों माँ का प्रसादी के लिए भी तैयारी चल रहे। वाह, तो चलिए चलते हैं इधर से और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ हमारे राइट साइड में देखिए दोस्तों फ्रिज, ठंडा पानी मिल जाएगा आप लोगों को। और इधर सीधा चले जाएंगे दोस्तों आप लोग लेडीज टॉयलेट्स, या जेंट्स का जाना अलाउ नहीं है, मैं भी नहीं जाने वाला। थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में टर्न ले लूँगा मैं। ये है लेडीज और जेंट्स का भी है दोस्तों, दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेले में आने से इधर पूरा जाम रहेगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये देखिए ये महिला शौचालय, मतलब लेडीज टॉयलेट है ये। और ये दोस्तों देखिए हमारे तिरंगा से बाउंड्री किया गया है एक पिछाड़ी को, इसमें मछली भी है दोस्तों बराबर, अभी देख पाऊंगा कि नहीं, चलिए देखने का कोशिश करता हूँ। नहीं दोस्तों, अगर ये सुबह सुबह आने से दोस्तों खाना फेंकने से ज़रूर निकलता। कछुआ भी है इसमें, अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चल के भी थोड़ा कोशिश करेंगे देखने के लिए, अगर मेरे को दिखाई देता है दोस्तों तो आप लोगों को दिखाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। वाह, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, हमारे तिरंगा से बाउंड्री किया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मछली तो देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, नहीं है अभी फिलहाल। तो चलिए जेंट्स टॉयलेट को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए सीधा जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रहा जेंट्स टॉयलेट। के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत दोस्तों।